पंखे में लिखा है। अब जरा पत्र देखिएगा, दुनिया के लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्या कहती है, दुनिया के लोग कहते हैं शिव पुराण में क्यों जाते हो, शंकर को जल क्यों चढ़ाते हो, शिव का जल चढ़ा हुआ क्यों पीते हो, बेलपत्र क्यों खाते हो। श्रीमती जगदम्बा जगत पति श्री महासिंह जगत, मेरा नाम है श्रीमती जगदम्बा जगत, पति का नाम है महासिंह जगत, ग्राम हुमरपाली, थाना तहसील बसनी बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। आ जाओ। उन्नीस वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। पत्र देखिए, श्रीमती जगदम्बा जगत पति श्री महासिंह जगत में ग्राम डूमरपाली, थाना तहसील बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महिमा है गुरुजी, मैं क्या बखान करूँ। आपकी शिव महापुराण की कथा ने ना जाने कितने घरों को सवार दिया। मेरे पति 20 साल से शराब का सेवन करते थे, 20 साल से शराब पीते थे, हम सब परेशान हो गए थे। इतना तकलीफ में जिंदगी चल रही थी कि परेशान की जिंदगी चल रही थी। तिलदा नेवरा में आपकी कथा हुई, मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है मेरा भोलेनाथ वो देता जरूर है। दिल से अगर कथा के पंडाल में बैठकर तुम मांगोगे तो बाबा देगा। मैंने तिलदा नेवरा की कथा सुनने के लिए गई, अपने पति को भी ले गई। वहाँ बैठकर हम दोनों ने कथा सुनी। उनके पास बैठकर मैंने भगवान शंकर से पंडाल में बैठकर कहा, बाबा अगर तू सत्य में कुबेर भंडारी है, हमने सुना है कि कथा शंकर कहता है, कथा शंकर सुनता है और कथा शंकर कराता है, सही में तू शंकर है तो मेरे पति की दारू छुड़वा दे, बस इतनी कृपा कर दे। हमने पशुपतिनाथ का व्रत उसी दिन से चालू कर दिया। तिलदा नेवरा की कथा कर कर हम जब वापिस आए, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने मेरे पति को शराब से ऐसी नफरत करा दी कि 15 दिन के अंदर उसने शराब छोड़ दी और आज पूरा साल हो गया मेरे पति ने शराब को हाथ लिया। कहीं बैठे हो दोनों, श्रीमती जगदम्बा जगत पति श्री महासिंह जगत, ग्राम डूमरी पाली, थाना बसना, जिला महासमुंद बैठे हों तो आ सकते हैं, व्यासपीठ से बेलपत्र ले जा सकते हैं। कितना शिव क्या नहीं देता, शंकर क्या प्रदान नहीं करता। आज दुनिया के लोग विरोध करते हैं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, दुनिया के लोग विरोध करते हैं शिव पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। हम कहते हैं कभी किसी दारू पीने वाले के लिए तुमने नहीं बोला कि दारू मत पियो, कभी किसी मांस खाने वाले के लिए नहीं बोला मांस मत खाओ। अगर शंकर पे चढ़ा हुआ कोई सामान खा रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सौभाग्य का विषय नहीं। कम से कम दारू तो नहीं पी रहे, शंकर कचड़ा पानी पी रहा है, शंकर कचड़ा जल पी रहा है, चरणामत पी रहा है।
बेलपत्र खा रहा है, कम से कम मांस तो नहीं खा रहा है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहा है, तुम्हें तो गौरव होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए। कि किसी हिल स्टेशन पर नहीं जा रहे, किसी मैखाने में नहीं जा रहे, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि आज जरा जरा से बच्चे अपना घर छोड़कर एक लोटा जल लेकर स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा रहे हैं, शिव के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। आज इस बहन से कोई पूछे, श्रीमती जगदम्बा जगत से, श्रीमान सिंह जगत से पूछे इस बहन से कि जिसका पति 20 साल से दारू पी रहा हो और जिसके पति ने शराब छोड़ दी हो, उस बहन से पूछना कि दिवाली पर भी जो खुशियां नहीं मनाई जाती होगी, वो खुशी उसकी जिंदगी में आ गई, केवल उसके पति ने दारू छोड़ दी उससे।